So once again, a very good evening to all of you, dear students. As you know, today we have to start our class regarding poietic devices. Okay. So first of all, we will read about poietic devices. Okay, and as well as their tools one by one. And after completing that poetic devices, we will also read about the poems which we have left. Okay. So first of all, as we are just going to start this poem, sorry, this poetic device. Okay, so there is a one question which is before all of you, that what is a poetic device? Poetic device hota kya hai? Pehle sabse bada question ye, pehla question ye, hum logon ke samne yahi hai ki poetic device hota kya hai? You have to tell me. Agar aap logon ko nahi dikh raha hai, it is very good because right now you have to give answer according to yourself. ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आज हम लोग जो पोएटिक डिवाइस सीखेंगे ना, तो इसमें आप जानते हो कि कॉन्सोनेंट साउंड, कोई मेरे को बताएगा कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं? एनीवन? कोई रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल. अच्छा, इसमें से कौन मेरे को कख पूरा सुनाएगा, ये मेरे को बताओ. और आ ई, इट मीन्स स्वर और व्यंजन मुझको कौन सुनाएगा? और नो, वेरी गुड, आप व्यंजन सुनाओगे अभी मुझे, स्वर और व्यंजन जो बोलते हैं, इट मीन्स अ आ ई, ठीक है ना, और कख ग, कितने को आता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, बिकॉज इसी पे हमारा कॉन्सेप्ट है. सर हम केवल स्वर सुना पाएंगे. ओके, कौन बोला है सर, इंग्लिश ही है ना क्लास, सर हिंदी कहाँ से आया? आज टोटली हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना हिंदी पे ही है, वो इंग्लिश के बॉयल पे नहीं जाना, ठीक है ना. ए ई आई ओ यू, कहानी बर्बाद हो जाएगा. एज आई हैव सेड इन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में पढ़ाया था ना मैंने, ए ई आई ओ यू पे नहीं जाना है. याद है अनुभव? आता है सर, अनुभव को तो एकदम आता ही होगा. अच्छा अच्छा, ए बी सी डी, रुको कुछ से पूछ ही लेते हैं. चलो अभी कोई ना लेफ्ट नहीं करेगा. ओके, लेट मी आस्क टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, कुछ से पूछते हैं, ठीक है. अगम्य बताएगा मुझे, अगम्य, अगम्य बताएगा. ओके, अगम्य, एम आई ऑडिबल? यस सर. चलो तुम थोड़ा सा ये बताओ, तो जो भी हमारे ये क्या बोलते हैं कि व्यंजन वर्ण होते हैं उसके बारे में बताओ, व्यंजन के बारे में बताओ, बताओ. देखते हैं आप लोग क्या, पांचवी पास एक होता है ना कोई, गाइस ऐसा कुछ. सर आ सुना है कि काका. अच्छा, स्वर और व्यंजन ये भी मालूम नहीं है क्या, आगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? आई को स्वर कहते हैं सर, कहते हैं ना, तो सुनाना है, सुना देते हैं पक्का, कोई विदाउट एनी मिस्टेक, मिस्टेक का तो गारंटी, सोच लो सब, सुनाते हैं सर, सुनाते हैं. अच्छा रुक जाओ, और किसी से पूछते हैं. अखिलेश, टेक्स्ट कर सकते हो मैसेज? याद है, गारंटी नहीं. देखो यहाँ पे ना पोएटिक डिवाइसेस में हम लोग को यही सीखना है, आ रही बात समझ में ना, कख ग और अ आ ई, आ रही बात समझ में ना. तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे. ओके, और वोवेल साउंड की बात करेंगे, आ रही बात समझ में ना. हियर वी विल टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड एंड एज वेल एज वोवेल साउंड, आ रही बात समझ में ना. इसी पे हमारा काम चलने वाला है, ये नहीं कि लेटर देखना है कि कॉन्सोनेंट लेटर है, ऐसा नहीं करना है हमें. इधर वी आर टॉकिंग अबाउट एलिटरेशन और एनीवन एल्स. सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट, व्हेनेवर दे सी कॉन्सोनेंट लेटर्स दे यूज टू मेक इट इन एलिटरेशन. एलिटरेशन का भी ये नहीं बोलता है ना कि आप कॉन्सोनेंट लेटर को देखिए, वो कॉन्सोनेंट साउंड पे बेस्ड होता है. जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, वॉट एवर वी आर गोइंग टू रीड इन इट, इट विल बी बेस्ड ऑन साउंड, इधर इट्स कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड. अरे बात समझ में ना, या तो वो कॉन्सोनेंट साउंड पे बेस्ड होगा, नहीं तो वो वोवेल साउंड पे बेस्ड होगा. गॉट इट एवरीवन? ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है ना?
इसी चीज को देखते हैं। अब देखो मैसेज नहीं, अब हम लोग ना थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देख के कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस। तो हम लोग बोल सकते हैं अ पोएटिक डिवाइस इज अ डेलिबरेट यूज ऑफ वर्ड्स फ्रेज एंड साउंड टू कन्वे मीनिंग। अब देखो फ्रेज समझ में आता है आप सभी को कि जब टू मीनिंगफुल वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को देता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। अब फ्रेज में भी बहुत सारे टाइप्स के फ्रेज होते हैं, उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस कहता है कि ये क्रमबद्ध होता है ना, बोला जाता है कि यहाँ पे कि कुछ फ्रेज मिलकर, ठीक है ना, कुछ वर्ड्स मिलकर एक मीनिंग्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हमारा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ यू गाइज, ये आप सभी के सामने ये सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। मेन जो उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है पोएटिक डिवाइसेस का, ओके। तो देखो पोएटिक डिवाइसेस का क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ पे टूल्स की बात कर रहे हैं ना, टूल्स मीन्स व्हाट। हेयर वी विल टॉक अबाउट एलिटरेशन, ओके, हेयर वी विल टॉक अबाउट सिमली, एज वेल एज वी विल टॉक अबाउट मेटाफोर, ठीक है ना, एसोनियंस, ये सारी चीज को जो बात करेंगे ये टूल्स है, ठीक है। तो देखो पोएटिक डिवाइसेस आर इसेंशियल टूल्स दैट अ पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम, एनहेंस अ पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिफाई अ मूड। यानी पोएटिक डिवाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है ना, जिसका यूज पोएट करते हैं अपने पोएम में, ठीक है ना, उसके रिदम को बनाने के लिए, उसके मीनिंग को और इनहेंस करने के लिए, डिटेल तरीके से समझाने के लिए, और पोएट के मूड को बताने के लिए कि पोएट ये किस तरीके में इस वर्ड्स को बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो गुस्सा में बोल रहे हैं कि काम हुए में है, कि वो एक होता नहीं है विपरीत तरीके से बोलना किसी वर्ड्स को, तो वैसे तरीके से बोलना है। गॉट इट एवरीवन, यहां से क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, बस ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। आई होप ये आप लोगों को मालूम चल गया होगा, राइट गाइज, ओके। आफ्टर दैट लेट अस कम ऑन मूड पॉइंट, मेन विषय पे आते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट हम लोगों के लिए होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। देखो एलिटरेशन बहुत लोगों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, एकदम हम लोग इसको सुगम भाषा में, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे और इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, मैं एज आई हैव सेड, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों से कि कॉन्सोनेंट साउंड पे हम लोग को वर्क करना है, वी हैव टू वर्क इधर इन कॉन्सोनेंट साउंड एंड और वॉवेल साउंड, दो ही चीज पे हम लोग को वर्क करना है, या तो हम लोग को कॉन्सोनेंट को देखना है और वॉवेल को देखना है, ठीक है। जैसे कि याद करो, थोड़ा सा वर्क को और इजी करते हैं, आर्टिकल्स पढ़े थे हम लोग, तो यूनिवर्सिटी, यू, ये क्या देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है कि वॉवेल। टेक्स्ट योर मैसेज, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड देता है कि वॉवेल साउंड देता है। टेल मी गाइस, वेटिंग फॉर योर मैसेज, यू हैव टू टेल मी, बताइए आप सभी कॉन्सोनेंट, इसमें से ईमानदारी पूर्वक बताना है किस किस को कॉन्सोनेंट साउंड में प्रॉब्लम नहीं होता है और किस किस को होता है वॉवेल साउंड में, क्योंकि अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा। मैक्सिमम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वे आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये क्लियरिटी के साथ बोलना है कि सर हम सभी को आता है, युराज ए ई आई ओ यू पे नहीं जाना है भाई, आई एम जस्ट टेलिंग यू सेम थिंग, ओके। क्लास के बाद आप मेरे से ना जब फ्री हो रहिएगा आप क्लास ले सकते हो युराज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज, ठीक है ना, जो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कैसे बोलते हैं, वॉवेल साउंड कैसे बोलते हैं, ए ई आई ओ यू नहीं, सॉरी गाइस, पता है, वेरी गुड, पता है, तो वेरी गुड। तो बताइए मेरे को, यूनिवर्सिटी मैंने बोला कॉन्सोनेंट देगा कि वॉवेल, वन हैज ओनली गिवन आंसर, रागिनी देन यू हैव टू गिव मी आंसर, ओके, देयर इज नो नीड टू से पता है सर, आंसर बताओ जो मैंने पूछा, शायद आता है निहारिका, तो चलो बताओ, मैंने बोला यूनिवर्सिटी, ये कौन सा साउंड दे रहा है, कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं भवन, कॉन्सोनेंट, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, क्यों यू य, तो देखो अब चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को मालूम नहीं हो तो, एज आई होप यू ऑल नो वेरी वेल,
ठीक है, कि मेरे को जहां तक आशा है कि आप सभी लोग जानते हैं। देखो कॉन्सनेंट जो हमारा होता है वो हम लोग हिंदी का उच्चारण देखेंगे, अगर क से ज्ञ के बीच में कोई आता है, क से ज्ञ तक में से कोई भी आता है तो वो कॉन्सनेंट साउंड को बताता है। यू य आया ना, हमको उ की मात्रा से मतलब नहीं है, पहला वाला लेटर मेरा क्या था बोलो, मेरे साथ बोलना है, यू हैव टू स्पीक य य य है ना, तो क ख ग घ तो ये कॉन्सनेंट की भाव है, कॉन्सनेंट साउंड देगा। अरे बात समझ में ना, मैंने बोला ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट अ अ कौन सा साउंड देगा अंकित, कॉन्सोनेंट कैसे, कॉन्सनेंट ऐसे अंकित कि हम लोग को एक बात को तुम दिमाग में बैठा लो, ठीक है, क्या वो बात तुम्हारा ये रहेगा कि क से ज्ञ जो भी बोलेंगे लो ना उच्चारण आएगा तो उसको लिख के देखो, यूनिवर्सिटी है, मैंने क्या बोला यू ए आई ओ यू, तुम बोल दिए भावे नहीं, हिंदी से चलना है, हम लोग को हिंदी से चलना है, वी आर भारतीय, ओके सो वी हैव टू गो विथ हिंदी। आरी बात समझ में ना, आफ्टर दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली व्हाट एवर वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखो हिंदी जो हम लोग भारतीय है ना उसमें मिलावटी कोई भी चीज नहीं रहता है, तो हम लोग को हिंदी को पकड़ के चलना है, ओके हम भी आ जा रहे हैं उसमें, ठीक है ना, अब मेरी बात को समझो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, अब कोई भी मैसेज नहीं, ठीक है, ध्यान से समझो बिकॉज ये छोटा नहीं है और टाइम हम लोग का निकल रहा है, 15 मिनट्स सच पास, ठीक है ना। तो मैंने जो बोला आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझना है कि मैंने बोला जो उच्चारण देगा आपका क से ज्ञ, लिख लो कहीं लिखना है तो कॉन्सोनेंट, और अ से अ जो होता है वो क्या देता है तो वॉवेल साउंड देता है, ओके। अब देखो एलिटरेशन क्या होता है, इट इज ऑन यू, इट इज बिफोर यू गाइज, आप देख रहे हो, यू हैव टू ऑल्सो राइट इट, लिखते चलिएगा तब समझ में आएगा, आई विल नॉट प्रोवाइड यू पीपीटी, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू राइट दिस ऑल थिंग्स। अब देखो कॉन्सोनेंट साउंड, पहला स्टार्टिंग क्या बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट करें, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग, अब इस बात को समझो, एज आई हैव सेड कॉन्सोनेंट साउंड, ओके एट द बिगनिंग, ये वाले वर्ड को एकदम ध्यान से समझना, एट द बिगनिंग यानी एलिटरेशन में बोलता है ना कि कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ लेटर, लेटर वर्ड्स का जो लेटर है ना, जो वर्ड हो गया उसका जो लेटर होता है पहला, बिगनिंग यानी शुरुआत जो होता है वो किससे होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड से होना चाहिए। जैसे कि देखो नियर ईच यूजली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन, यानी कि एक दूसरे के साथ रहे या एक ही लाइन पे कहीं गैप करके हो, इस बात को पहले एक बार पढ़ो, सभी को ही पढ़ो तो उसके बाद फिर से मैं बताता हूँ, पढ़िए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग, यानी मेन पॉइंट इसमें क्या है, बिगिनिंग है, क्या है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड नियर ईच यूजली ऑन द सेम और एडजेसेंट लाइन, सभी को ही पढ़ लिया टेक्स्ट मैसेज एक बार, यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज गाइज, सभी को ही पढ़े ना, ईमानदारी से पढ़ना है, नहीं तो माता रानी पाप लगाएंगे एकदम, और साथ में भोलेनाथ फ्री, यस अमन वेरी गुड, अभी सेम लाइन की बात करते हैं ना, ठीक है, देखो इतना कंफ्यूज मत रहो, तुमको एक वर्ड दे देगा, ठीक है ना, बोलेगा कि इसमें एलिटरेशन कौन सा है ये बताने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं देता है, ठीक है, या आपको पोएम्स दे देगा और उसमें से पूछ लेगा आपसे, अच्छा रिया बोली है सर बहुत दिन के बाद बोले माता रानी पाप लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि तुम लोगों में से कुछ केवल बैठ के देख रहे होगे, लिख नहीं रहे होगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग उठ जाओ लिख लो, एग्जामिनेशन सर पे है, ठीक है, जो लिखेगा समझेगा उसी का मार्क्स आएगा, और ये जो मार्क्स आएगा ना जीवन भर आपके साथ रहेगा, इवन आपके बाल बच्चे भी देखेंगे, शर्म कर लो उनके लिए, ठीक है, लिख लिए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो थैंक यू एवरीवन एज आई हैव रिटेन, अब हो गया, अब मैसेज करना बंद करो सब, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने बोला पीटर पैटेड द पोनी, अब इस बात को समझना, क्या बोला कि बिगनिंग का वर्ड्स में मालूम चलना चाहिए, बिगनिंग का वर्ड्स का बिगनिंग का जो लेटर होता है ना वो मेरा क्या दे, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे, क्या दे, कॉन्सोनेंट साउंड,
ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड्स दे, बिगिनिंग का वर्ड का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स दे। अब देखो मैंने क्या बोला, पीटर 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 सम को मतलब नहीं है, पी प प है ना, प पीटर प, पैटेड स्टार्टिंग का ही इसमें देखते हैं, बीच का नहीं देखते हैं, लास्ट का नहीं देखते हैं, यानी कि इधर का अगर देगा, इधर का अगर देगा तो इससे हमको मतलब नहीं है, इधर का देगा इससे हमको मतलब नहीं है, इस साइड का देगा उससे हमको मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में देना चाहिए, बस स्टार्टिंग में देना चाहिए एलिटरेशन क्या, तो कॉन्सोनेंट साउंड उसकी हम लोग चर्चा करते थे। पीटर प पैटेड पोनी, पीटर पैटेड पोनी, पीटर पैटेड पोनी, देखो तो तीनों में क्या आ रहा है, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट है, प प प में आता है कि आई में, भाई स्वर में आता है या व्यंजन में आता है, कुछ लोगों को कंफ्यूज होने लगेगा सर स्वर क्या है व्यंजन क्या है, इसलिए मैं ना प्रीफर करता हूँ क ख ग बोलूं अ आई बोलूं, राइट, समझ में आ रही मेरी बात ना, बोलो मैंने उसमें फ्यूचर के लिए बोला, ठीक है वही मैंने बोला, ठीक है कि फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे, बच्चे आपके सामने छोटे रहेंगे तो आपसे पूछेंगे मार्क्स, वो आपके भाई हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं ना मार्क्स, उसी चीज को मैंने बोला यहाँ पे, ओके। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, गड़बड़ बात है, ये समझ में आ रहा है ना, तो देखो ये स्टार्टिंग का लेटर, बोलो हाँ या ना, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना है शुभम, देखो शुभम मैसेज नहीं, इसको क्लियरिटी के साथ समझना है, ठीक है ना, एकदम इस पे समझो, तो पीटर देख रहे हो प प प, ते एलिटरेशन को बता रहा है, किस चीज को बता रहा है, एलिटरेशन को, क्या अगर सपोज करो कि सेंटेंस लास्ट में लास्ट वाला अर देख के, जैसे अर एड नाई दे रहा है, तो क्या लास्ट के वर्ड से हम चेक करते हैं कि स्टार्टिंग के वर्ड के लेटर से चेक करते हैं कि लास्ट के वर्ड के लेटर से चेक करते हैं, ये बताओ, एकदम दिया गया है बिगिनिंग, ठीक है, और क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग, वेरी गुड, और सभी कोई स्टार्टिंग के लेटर से, वेरी गुड। अब इसके नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है कोका कोला, अरे बात समझ में ना, कोका कोला, ठीक है, हाँ एकदम आ रहा है युवराज, आपका मैसेज यहाँ पे आता है डायरेक्ट, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो कोका कोला, कोका मैंने क्या बोला, कोका कोला, तो देख रहे हो ना क क्या दे रहा है प्रोनाउंसिएशन, ये साउंड अब कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है ना, क जब बोलूंगा तब क कोका क क से मतलब है, हमको को से मतलब नहीं है, क पहला लेटर क्या रहा है, क उसके बाद में को रहा है, लेकिन हमको क ही से मतलब है, पहला जो क क फिर ये क्या है क, तो कोका देख रहे हो ना, ये एलिटरेशन को बता रहा है क क, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, फिर हमारा आगे वाला क्या है, मिक्की, क्या है मिक्की, माउस, माँ, ये नहीं, तो देखो भाई ई की मात्रा से ना और आ की मात्रा से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ, पहला वाला जो है उसी से हमको मतलब है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन दैट, ठीक है ना, उसी कारण से मैंने मी लिखा, इधर उधर माँ लिखा, ये नहीं कि सर एक तरफ मी साउंड दे रहा है एक तरफ माँ दे रहा है, नहीं, केवल हमको पहले वाले लेटर से मतलब है, पहले वाले अक्षर से, तो माँ इधर मी माँ, तो मिक्की माउस, ये मेरा क्या हो जाएगा गाइस, ये अभी एलिटरेशन शो कर रहा है ना, क्या इस वाले स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कि आगे बढ़े, अगर कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, आई नो यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बोलो अपूर्वा आपको कोई प्रॉब्लम, सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके, चलो मिस्ट्री आप बताओ, आई थिंक शी इज नॉट हैविंग क्लास टुडे, अदिति रिपीटेशन पढ़ाएंगे, एलिटरेशन और रिपीटेशन दोनों अलग होता है, अभी जो बता रहे हैं उसको समझो, आइदर नाइदर की बात नहीं हो रही है,
आई अ आ रहा है ना आ रहा है वो कैसे हो जाएगा? अदिति तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वेट करो अभी, ठीक है ना? ओके कोई प्रॉब्लम है इसमें मिस्टी, बताओ, यही मैंने बोला। डन एवरीवन, चलिए इसको हटाते हैं और क्लास में बने रहिएगा आप लोग। ओके क्लास थोड़ा अगर लंबा भी जाए देन यू हैव टू प्रेजेंट हियर इन द क्लास। बिल्कुल भाग जाते हो और बोल रहे हो कि बिल्कुल सर अभी अभी टेंशन ना लो रही है, ठीक है ना, कि टोटल कितना है। अब देखो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल एलिट्रेशन का ही है। अब देखो मैंने बोला क्रूक्स कॉन्स्पायर्ड विद द काइंड किंग। अब इसमें बताओ मेरे को कौन कौन सा वर्ड जो है तो आपका, ठीक है ना, शो कर रहा है एलिटरेशन को। अमन रॉन्ग आंसर, नहीं एक ही साथ कंगना गड़बड़ है, मिस्टी आपका भी वेरी गुड, अपूर्वा यू हैव गिवन राइट आंसर। अब मैं बीच का कहां गया, गड़बड़ है रागिनी, कुछ छूट गया, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स की डाउट थोड़ा सा भी ना रहेगा। ओके वी विल अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा थम जाओ सब सभी कोई, वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड अमन, वेरी गुड। अब आप लोग वेट कीजिए, नाउ वेट गाइस, अरे रुक जाओ अब मैसेज नहीं करो, समझो दिव्यांशु। या वेट, सही आंसर है, देखो मेरे को डील करने दो। हाँ एकदम सही है रागिनी, यू हैव गिवन आल्सो राइट आंसर, ठीक है। मैंने बोला क्रूक्स, मैंने क्या बोला क्रूक्स, तुमको भी बोलना है, यू हैव टू आल्सो स्पीक, यू हैव टू आल्सो स्पीक गाइज, ओके यू हैव टू आल्सो स्पीक क्रूक्स, एज आई सेड क्रूक्स, मैंने क्या बोला क्रूक्स, क्या आया क आया क्रूक्स, फिर मैंने क्या बोला कॉन्स्पायर, फिर क्या आया कॉन्स क क कॉन्स्पायर कॉन्स्पायर क क प्रोनाउंसिएशन आया ना, देखो क्या बोले कि हम लोग यही पढ़ेंगे आज, क ख ग और अ आ ई, ठीक है, तो क क प्रोनाउंसिएशन आया। अच्छा अब इसके साथ इसको हम अगर थोड़ा सा स्टार पॉइंट करके इसको समझने की कोशिश करें, अब देखो क्रूक्स कॉन्स्पायर विथ, ठीक है विथ वो आ रहा है तो ये तो काम गड़बड़ हो गया, ठीक है, काइंड काइंड क क्या आया काइंड क क्या आया प्रोनाउंसिएशन क्या आया बोलो क क्या आया क आया ना प्रोनाउंसिएशन क्या आया क पहला वाला लेटर देखते हैं बिगनिंग क आया अ किंग फिर भी क्या आया फिर किस चीज का आया यूज क गाइस तो देख रहे हो ना एस इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे तुमको क्वेश्चन का आंसर मिला कि सर हम लोग साउंड की क्यों चर्चा करते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए हो गया ना धोखा यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट लेटर पे जाते तो क सी सी हो जाता लेकिन देखो एलिट्रेशन है सबका साउंड सेम है यहाँ पे हम लोग क्रूक्स की बात करें कॉन्स्पायर की बात करें काइंड की बात करें और किंग की बात करें समझ में आया ना कि सभी क्या है एलिट्रेशन सेम कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात ये देखो मैं यही तुम लोग को शो करना चाहता था कि ये नहीं कि हमेशा तुमको लगातार ही देखने को मिले सेंटेंस में सटे सटे ऐसा नहीं होता एडजेसेंट पता है ना दूसरा क्या कि दूसरे साइड में भी आपको देखने को मिल सकता है बीच में कुछ लेटर खाली है कि नहीं है ठीक है एलिट्रेशन बस स्टार्ट होता है स्टार्टिंग का लेटर हमको देखना रहता है कॉन्सोनेंट मेरा काम हो गया ठीक है। हम नीचे देखो बाबा बाबा ब्लैक शिप सॉन्ग की चर्चा हो रही है यहाँ पे कोई अब इसमें बताओ क्या होगा वेरी गुड रिया वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अब देखिए इसमें वेरी गुड गाइस अब चलो इसमें का लास्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते हैं वी हैव टू सी लास्ट क्वेश्चन चलिए इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ये जो पॉइंट है इस सब को हम लोग देखकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वी हैव टू सी दैट क्वेश्चन ओके
we have to see that question. If colored caterpillars could change their colors, constantly could keep their colored coat colored properly. Bataiye aap sabhi. You have only 30 seconds to give answer of this question. You have only 30 seconds to give answer of this question. बताइए आप सभी. गलत आंसर है. चेंज कैसे आएगा? चेंज अभी ना बताएं तुमको कि साउंड पे हम लोग को जाना है. या कोई नहीं है. गजब. चलिए देखते हैं स्टार्टिंग में क्या है. कलर देखो देखो हम देखो स्टार्टिंग में. वेरी गुड. सही है आप सभी का. सही है राइट गाइस. अब देखो यहाँ पे. अब देखो पहले ना सबसे पहले यहाँ पे समझो कि हम लोग बेसिक को काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. ये नहीं है कि इसके बाद ना बहुत ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा. 70% आपका क्लियर हो जाएगा गाइस. 70-80%. 20% के लिए आपको आपका जो पोएम है उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा करना पड़ेगा. कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो उसको दो तीन बार कर लेना है क्योंकि हम लोग को तीन ही पोएम्स को देखना है. तो इसके बाद ना हमारा एक बढ़िया तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम काफी अच्छे तरीके से सबको समझ सकते हैं. ठीक है ना. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कलर्ड का यूज हुआ. कैटरपिलर्स का यूज हुआ. कुड का यूज हुआ. च नहीं हो पाएगा. देयर कलर्स फिर क constantly could colored coat colored हो गया आपका. ठीक है. चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो. नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ. तो नेक्स्ट सेंटेंस बताइए आप लोग. ए नेक्स्ट सेंटेंस बेटी बाउट बटर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाएगा. ठीक है. अब चलिए एलिटरेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. आप इसको एक बार फिर से देखिएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि बिगनिंग के जो वर्ड का लेटर होता है वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करे. आ रही बात समझ में ना. फ्री फ्लोरिस. हाँ सही है. ठीक है ना. फायर फ्लोरिस. वेरी गुड. रिपीटेशन ऑफ एफ साउंड देख रहे हो ना. रिपीटेशन है. रिपीटेशन होना चाहिए शिखर. ये बात को ध्यान रखो. रिपीटेशन होना चाहिए. रिपीटेशन कहाँ हो रहा है. ओके. अब देखो इसके बाद वाला जो है ना ये दिस इज वेरी इजी. आप सभी कोई जानते हो इसको सिमली को. ठीक है. हाँ डस्ट ऑफ स्नो में भी था. ठीक है. अब देखो सिमली क्या होता है. सबसे सिंपल बात हम लोग समझते हैं. फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग बाय यूजिंग लाइक और एज. यानी कि फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ रहा है. उसमें हम लोग किस चीज का यूज करते हैं. तो दो चीज का यूज करके लाइक का और एज का यूज करके कंपेयर करते हैं. जब दो ऑब्जेक्ट या दो ह्यूमन बींग के बीच में हम कंपेयर करते हैं. ठीक है ना. किस चीज का यूज करके. लाइक का और एज का. किसका. यहाँ पर कंपेयर की बात होती है. किस चीज की बात हो रही है. कंपेयर की. लाइक और एज का कंपेयर करके. ठीक है ना. कंपेयर करते हैं लाइक वर्ड से या एज वर्ड से. तो उसे हम लोग सिमली कहते हैं. सिंपल भाषा में लाइक और एज
का यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, वी विल से दैट सिमिलर। ओके, जैसे सी वाज एज फ्लाई एज फॉक्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एज फादर एज सन, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है ना, एज स्टूडेंट एज टीचर, एकदम ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं सोचेगा ऐसा, ठीक है। तो सी वाज एज स्लाई एज अ फॉक्स, सी वाज एज स्लाई एज अ फॉक्स, ठीक है ना, एज स्लाई, अभी लिखना भी है, जो कुछ लोग जो मैसेज कर रहे हैं ना टुक टुक, अभी जो कुछ कुछ मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि अंकित है, आप लोग लिखिए, ठीक है, एग्जाम सर पे, उसके रिगार्डिंग आपको सोचना है। ओके, तो सी वाज एज, अब देखो सी वाज एज स्लाई एज अ फॉक्स, ठीक है, दैट नाइफ इज एज शार्प एज अ रेजर, वो नाइफ इतना तेज है जितना कि रेजर, ठीक है ना, ही इज एज ब्राइट एज अ बटन, ठीक है। तो चलिए ये हमारा पर्याप्त है, इसमें ये बहुत इजी होता है, सिमिली में कंपैरिजन करते हैं किस चीज का यूज करके, तो एज का और लाइक का, एज का और एक लाइक का यूज करके कंपैरिजन करते हैं, वो सिमिली हो जाता है, ठीक है। अब इसके दूसरे भाई से मिलते हैं, मेटाफोर से। ओके, अब देखो थोड़ी देर के बाद अगर प्रॉब्लम हो तो बोल देना है, क्योंकि मैं भी मेरा फेस ना दिखे आप लोगों को। ओके एवरीवन, अब देखो मेटाफोर क्या होता है। ओके, मेटाफोर लिखा हुआ है दिव्यांशु। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू विल आल्सो गेट पीडीएफ, ओके डोंट वरी अबाउट इट, लिखो। और अब चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, अब ये लिखते हुए चलोगे तो बहुत बढ़िया है, मैं बहुत टाइम दे रहा हूं आपको, उससे मैं समझा रहा हूं, तो आप लिखा करो, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू और मोर थिंग विद अ सिमिलर क्वालिटी एंड डज नॉट यूज लाइक और एज। देखो यहाँ पे भी कंपेरिजन की बात होती है, दो चीजों के बीच में कंपेरिजन, कंपेरिजन कब होता है, दो ऑब्जेक्ट हो, दो समान टाइप का कोई भी थिंग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा, बट नाइदर वी विल यूज नॉर, सॉरी नाइदर वी विल यूज लाइक नॉर एज, ना ही हम लोग यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे और ना ही एज का यूज करेंगे, नाइदर वी विल यूज लाइक नॉर एज, अरे समझ में, ना ही हम यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे और ना ही एज का यूज करेंगे, और कंपेरिजन करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, तो हमारा वो क्या बताएगा, मेटाफोर बताएगा, सिमिली क्या कि लाइक लगाइए एज लगाइए कंपैरिजन कीजिए, लाइक लगा के कर सकते हो या एज लगा के कर सकते हो, सिमिली मेटाफोर बोलता है कि ना हम दोनों में से किसी का यूज नहीं लेंगे लेकिन कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, उसे हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। जैसे द टाइम इज मनी, सो टाइम यहाँ पे क्या है, बोलो मेरे साथ, बोलना है आप लोगों, टाइम क्या है, मनी, तो मनी का कंपैरिजन टाइम के साथ, टाइम का कंपैरिजन मनी के साथ। हार्ड वर्क इज सक्सेस, यानी हार्ड वर्क को क्या कह दिया गया कि हार्ड वर्क तो सफलता है, आजकल है ये, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क इज सक्सेस, तो हार्ड वर्क का कंपैरिजन किसके साथ किया गया, सक्सेस के साथ किया गया गाइस। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए परफेक्ट है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, द किड्स वर मंकीज ऑन द जंगल जीम। ओके, द किड्स वर मंकी ऑन द जंगल जीम, तो देखो किड्स की तुलना किससे की गई है, कंपैरिजन मंकी से, किड्स का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, मंकी के साथ किया गया है। ओके, यू कैन सी अनदर एग्जांपल आल्सो, द थंडर वाज माइटी लॉयन। ओके, द थंडर वाज माइटी लॉयन, द थंडर का यहाँ पे कंपैरिजन ताकतवर लॉयन के साथ किया गया है। गॉट इट एवरीवन, मेटाफोर समझ में आया, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे और हंसी आएगा, ठीक है, पक्का। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो, बहुत दिन से आप लोगों का क्लास थोड़ा सा बोरिंग जा रहा था, आज इसीलिए बोले कि कख पढ़ाएंगे, और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आज ही हम लोग का हिंदी दिवस मनेगा, मासूम बच्चे, राइट, क्लियर।
ओके अब देखो हमने ये एग्जांपल देख लिया था क्या बोलिए अप्रूवा के स्क्रॉल मत कीजिए सर ऐसे ही रहने दे बोलो आप एक बार फिर से क्या बोल रहे हो सॉरी आई डिडंट सी योर मैसेज ऑन दैट टाइम टेल मी लास्ट स्लाइड आपको मिल जाएगा ठीक है ना वी हैव लैकनेस ऑफ टाइम देख लो अभी हम लोग को बहुत सारा डिस्कस करना है ठीक है पोएम भी हम चाहते हैं ना कि ऑनलाइन में आप लोग को पढ़ा दे अच्छे तरीके से समरी के साथ हर एक पॉइंट्स के साथ आपके साथ रहेगा आपको दे भी देंगे आप अच्छे तरीके से उसका ना समरी भी कर लोगे ठीक है हर एक पॉइंट्स को समझ लोगे तो थोड़ा सा जल्दी चलो और ये आपको मिलेगा ही ये सारा कुछ आप ही लोग के लिए मेहनत किया गया है ओके नेक्स्ट देखते हैं डोनेशन टू द चैरिटी वर्ड अ सुनामी अब देखो कहीं पे डोनेशन किया गया ना चैरिटी में तो उसकी तुलना किससे कर दी गई सुनामी से जैसे कि याद करो कि नॉट वेरी रेस्पेक्टिव ओके व्यू से मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना ये बात इधर उधर नहीं जैसे कि आप देखते हो ना नरेंद्र मोदी जी जब फर्स्ट टाइम कोरोना का यह आया था पीक आया था उन्होंने क्या करवाया कि बहुत लोगों से चैरिटी में पैसा लिया हर एक लोग कुछ ना कुछ चैरिटी में पैसा दिया था राइट डोनेट किए थे ना वो पैसा का मालूम भी नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया ठीक है किसी गरीब को भी नहीं मिला पता नहीं चला कि कहाँ गया पैसा तो एक तरह का सुनामी ही था भाई ठीक है अब आगे देखो एक दो एग्जांपल और है अमेरिका इज अ मेल्टिंग पोर्ट तो अमेरिका की कंपैरिजन यहाँ पे किससे की गई है तो मेल्टिंग पोर्ट से की गई है अब देखो माई ब्रदर्स रूम इज डिजास्टर एरिया तो मेरे इट मीन्स नॉट जो मेरे यहाँ रूम रेंट पे रहते हैं उनके रूम को देखो तो एकदम डिजास्टर एरिया है यत्र तत्र सामान फैला हुआ रहता है ठीक है तो यहाँ पे ब्रदर्स रूम की हम लोग कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं ब्रदर्स रूम की ऐसा कोई नहीं है ठीक है ना ऐसे इंसान नेम के इंसान को हम नहीं जानते हैं मेरे यहाँ वो रेंट पे रहते हैं ओके तो माई ब्रदर्स रूम is disaster area तो brothers क्या है brothers room ठीक है ना तो room का मैंने क्या किया comparison ठीक है ना disaster area से ठीक है ना समझ में आ रहा आप सभी को metaphor समझ में आया ना ये भी comparison को बताता है लेकिन neither it takes like nor as चलिए thank you everyone आप लोगों को metaphor भी समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप अगर लिखना चाहो तो इस एग्जांपल को लिख सकते हो ओके आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम टू राइट ओके 1 मिनट नहीं क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है आप लोग का मैसेज काफी तेजी से आ रहा है काइंडली आप लोग लिखो पहले ठीक है और ये वर्क है आपका ओके अब देखो एजोनेंस क्या कहता है अब देखो एजोनेंस की अगर हम बात करें ना इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है ना एजोनेंस को पहले समझते हैं तो एलिटरेशन होते हैं ना इसी के ये सगे संबंधी हैं ठीक है ना एलिटरेशन के सगे संबंधी हैं लेकिन ये कहते हैं ना कि हम वर्ड के लास्ट वाले वर्ड पे आप जोड़ डालिएगा वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे जोड़ डालिएगा पहला बात क्या कि एलिटरेशन क्या कहता था कि वर्ड के पहले वाले लेटर पे जोड़ डालिए और कॉन्सोनेंट निकालिए ये कहता है कि वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे जोड़ डालिए और वॉवेल साउंड्स को निकालिए किसको निकालिए किसको किसको निकालना है आप लोगों को तो वॉवेल साउंड्स को किसको वॉवेल साउंड को जैसे मैंने बोला ही स्टॉक्स इन हिज क्या है his is is e की मात्रा is vivid vid vid id पढ़ो आप सभी को पढ़ना है मेरी तरह is लास्ट में इसकी मात्रा आ रहा है ना कौन सा साउंड दे रहा है बॉवेल दे रहा है e की मात्रा आ गई e की मात्रा बॉवेल साउंड दे रहा है vivid id की मात्रा क्या दे रहा है बॉवेल साउंड दे रहा है stripes ips किसकी मात्रा दे रहा है बॉवेल दे रहा है ना देख रहे हो ना अरे बोलो क्या बोला इट इज अ रिपीटेड वॉवेल साउंड रिपीटेड वॉवेल रिपीट करे वॉवेल साउंड रिपीट करे क्या साउंड रिपीट करे वॉवेल ठीक है ना किस साउंड को रिपीट करे युवराज वॉवेल को ओके
वोवेल साउंड को रिपीट करे। ओके, किसको रिपीट करे? वोवेल साउंड को। तो हमने देखा इज, हमने किसको देखा? इज, ठीक है, किसको देखा हमने? इज, इड, स्ट्राइप्स, इप्स, ठीक है ना, इप्स। पहले इस ये सेंटेंस देखो, पहले इस सेंटेंस को देखो तुम। ऑन कैसे होगा? स्टार्टिंग का लेटर नहीं देखना, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट का पॉइंट देखो वर्ड में। स्ट्राइप्स तक बोले ना, वहां तक देखो, ठीक है ना। पहले वाले लेटर में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है देखो, ईच अदर, ठीक है ना, लास्ट में ई एस, इसमें इड, इसमें इज, देख रहा हो ना, देखो सभी इज 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 कर, इज बोलोगे, इज लिखेंगे। तो आज तुम लोग मुझे हिंदी में लिखना सिखा दोगे, राइट? इज, एक ही मात्रा आ गई, इड, इड, ऐसे ही। ओके, समझ में आ रहा है सभी को कि ये बाउंस होने लगा थोड़ा सा, ये डिफिकल्ट होता है, इतना भी नहीं होता है जितना लग रहा है। अपूर्वा बोलो, आ रहा है ना? बाउंस नहीं हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब बाउंस नहीं हुआ तो थैंक यू आयुष, मेरे को खुद हिंदी लिखने नहीं आता है, मैं तुमको क्या सिखाऊं। अर्नो, एज आई सेड, मैंने बोला वंस मोर, ठीक है ना। चलिए वंस मोर करते हैं, वंस मोर। इट इज अ रिपीटेड वोवेल साउंड इन वर्ड दैट आर टुगेदर, वो वर्ड जो एक दूसरे के साथ हो या एक दूसरे के नियर हो, नजदीक हो, ठीक है ना, ईच अदर, उसके साथ। अब स्टॉल्स बोलते हैं, यहाँ पे वोवेल साउंड आना चाहिए, स्टॉल्स, क आ रहा है लास्ट में, इसमें क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टॉल्स, क, 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 क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना, चलो पहले बोलो, जो जिस जिसको समझ में नहीं है हाँ ना में बोलेगा, और ना बोलो, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये तो क साउंड तो देखना ही नहीं है हमें, तो क्या हम इसको हटा दे? अर्णव हाँ या ना, अर्णव बोलो, हटाएं कि नहीं हटाएं इसे, बोलिए। हाँ सर, वेरी गुड, क, ठीक है ना। फिर मैंने बोला, ठीक है ना, अब इसके आगे देखो, इन तक हटा दो, ठीक है ना, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इज, his, id, stripes, starting बोलोगे सर, starting कैसे ले ले, यहाँ पे इन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग का ही लेटर हो गया, ये स्टार्टिंग नहीं बोलते, लास्ट का लेटर को बोलता है, लास्ट में रहना चाहिए। ओ समझ गए, ठीक है, पार्टी दे देना, समझ गए अर्णव। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। ऑन अ प्राउड, स्टार्टिंग को नहीं देखना है, स्टार्टिंग के लेटर्स को नहीं, लास्ट के लेटर्स को देखते हैं इसमें, ठीक है। प्राउड बोल रहे थे सब कि सर समझाइए, एक प्रोसेस होता है सबको समझाने का, सही समय पे, मेरी आदत होती है कि बेसिक से समझाएंगे, ठीक है ना। ये बोलोगे कि सर समझा दीजिए, तो वो मेरे से भाई नहीं हो पाता है, ठीक है। ओके, अब देखो, ऑन अ प्राउड उड, बोलो मेरे साथ, जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं आएगा, बोलना है, शर्म करोगे नहीं आएगा, ठीक है। घर पे अकेले हो तब कच्ची कसम, उड, राउंड, कुड, देख रहे हो ना, वाइट, इट, लास्ट में टी आ रहा है, ओके एवरीवन। बीच वाला लास्ट वाला में ले सकते हो, राइमिंग स्कीम तो लास्ट में पढ़ना है, ओके। हाइट, ईटी, देख रहे हो ना, नाइट, केवल स्टार्टिंग में ना हो, चलो बीच का हो सकता है, ओके, हो गया, डन एवरीवन।
और देखो सभी बीच ही है, ओ यू देख रहे हो, उड उड बीच का ही, बीच का ही है, राउंड उड बीच का ही है, ठीक है ना, डन एसो, तो हो गया ना, एसोनेंस समझ में आ गया। बगल वाले आदमी को जरा सोचने दो कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, और ठीक है, अब एकदम चुप हो जाओ सब, अभी और हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस ऑल थिंग्स। अब देखो ये जो थोड़ा होता है ना, यहाँ पे समझ में ना मजा आ रहा है, जब पोएटिक डिवाइस में देखोगे तो ठीक है ना, तब समझने में आएगा, उस समय तो आएगा कि अरे तो सारा कुछ दिया हुआ ही है, ठीक है। वेट गाइस, ये सारा कुछ तो सेम ही दिया गया है, कैसे समझे, सब तो इसी में है। अब देखो एक कंजोनेंस है, ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो लाइक एजोनेंस, ये भी एजोनेंस की तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, बट हियर कॉन्सोनेंट्स आर बिगनिंग मिडिल एट लास्ट। यहाँ पे ना बोल रहा है ना कि बिगनिंग में भी मिल सकता है, ठीक है ना, बिगनिंग के लेटर्स के वर्ड जो है उसका बिगनिंग का लेटर भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करने पर साउंड दे, बिगनिंग बीच का भी दे तब भी चलेगा, और लास्ट वाला भी दे तब भी चलेगा। मेरी बात को समझना, फिर से समझाना एक बार, समझो, वेट गाइस, ओके ओके एवरीवन, चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो कंजोनेंस, इट इज ऑल्सो लाइक एजोनेंस, अगर मैं बोला सर आराम से बैठ जाइए, तुम्हारा ध्यान हम जानते हैं यहीं पर रहेगा। रिया बोल रही है दिस इज कोल्ड वर्क फ्रॉम होम, लाइक चलो बढ़िया है, बढ़िया है, तुम लोग भी मतलब मौका नहीं छोड़ते हो। इतना हिंदी पढ़ना जरूरी है क्या सर, अभी बोले नहीं, क्या पढ़ाए कंजोनेंस, पढ़ाए ना, सोच लो अगर मैं कल घर पे आना है। साहिल सही बोल रहे हो, कैमरा की क्वालिटी है ऐसा, रहने दो अंकित, चलिए। तो देखो कंजोनेंस जो होता है ना, ये हमारा होता है सेंटेंस के बिगनिंग में भी, ठीक है, बिगनिंग में भी ये क्या हमारा दे, तो प्रोनंसिएशन दे कंसोनेंट का, साउंड दे, बीच में भी दे सकता है और लास्ट में भी दे सकता है। जैसे कि देखते हैं ब्लैंक ब्लैंक क ब्लैंक क ब्लैंक थिंक क क लास्ट में, ब्लैंक क ठीक है ना, थिंक लास्ट में क क आ रहा है ना, क क, तो दोनों के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, क क किसका यूज करेंगे गाइस, किसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो लास्ट में भी आ सकता है, वर्ड्स के लास्ट में भी, हाँ, और बिगनिंग में आता है तो एलिट्रेशन रहता है, सही है, बिगनिंग में भी आता है तो एलिट्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट में आएगा लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है, माइक क लाइक, ठीक है ना, बाइक देख रहे हो ना लास्ट में आ रहा है, ओके एवरीवन। तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 3 मिनट्स, वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो एंड कंप्लीट इट आल्सो, ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ओके एवरीवन, क्लास को इतना ही रखा जाए। सर आप सैंपल पेपर क्या बोल रहे हो, सेलफोन लिए हैं, सेलफोन उसी से क्लास ले रहे हैं, ओके हाँ
अच्छा स्मार्टफोन। हाँ ये पोको का फोन नहीं है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। सर आज बहुत अच्छा लगा पढ़ के, ऐसे ही प्रतिदिन बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे तरीके से पढ़ो ठीक है ना विद्या। अरे सैंपल पेपर नहीं है, दिस इज माय सेल फोन। अच्छा सैंपल पेपर कौन सा खरीदे अभी फिलहाल पढ़ लो, आफ्टर वर्ड्स आई विल टेल यू। ओके बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास में बहुत मजे भी किए आप लोग, ओके यू हैव एंजॉयड अ लॉट एंड एज वेल एज रेड अ लॉट, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी आज बहुत अच्छे से, समझा भी। चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, कल से और भी ज्यादा सीरियस होके और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके एवरीवन।